नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। डोडा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए तिरंगे का अपमान किस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है। डोडा में भरे बाजार, म्युनिसिपल कमेटी यहां पर तिरंगे का अपमान कर रही है और तिरंगे को फहराने के लिए जूते का सहारा लिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला डोडा से देखने को मिल रही है, जहां पर ओल्ड बस स्टैंड चौक के बीचों बीच देश की आन बान और शान पर पूरी तरह चोट जो है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी जरूरत का पूरी तरह संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आपको दिखा रहे हैं डोडा से, जहां पर आप देखिए तिरंगे को फहराने के लिए जूते का सहारा लिया जा रहा है और ओल्ड बस स्टैंड चौक के बीचों बीच देश की आन बान और शान पर पहुंच रही है यहां पर पूरी तरह से आहट, और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी जरूरत नहीं कर पा रहे हैं इसे सुलझाने के लिए। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला डोडा से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर तिरंगे का अपमान इस तरह से क्यों यहां पर हो रहा है और आखिर अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। और साफ तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर तिरंगा जो है वो फहराया जा रहा है, तिरंगे को फहराने के लिए किस तरह यहां जो अलग अलग चीजें हैं वो यहां पर इसके साथ में लगाई गई हैं। ओल्ड बस स्टैंड का ये पूरी तरह से नजारा है, जहां पर किस तरह एक जूते का सहारा लिया जाता है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से इस जूते के साथ इस पूरे तिरंगे को बांधा गया है। कहीं ना कहीं यहां पर सवालिया निशान उठता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की नजर इस पर अब तक क्यों नहीं गई है, ये बहुत बड़ा सवाल। और उससे भी पहले यहां बड़ा सवाल पुलिस पर, जो हर वक्त चौक चौराहों पर गश्त लगाती है, पेट्रोलिंग करती है, और इस बीच में यहां ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर इस तरह का वाकया किस व्यक्ति की तरफ से यहां पेश ये करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस पर संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और बाजार के बीचों बीच का ये पूरी तरह से नजारा आप देख रहे हैं। वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, अलग ही नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है जिला डोडा के अंदर। आखिर अभी तक क्यों प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन क्या आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा है कि किस व्यक्ति ने इस तरह से यहां पर तिरंगा जो है वो फहराने की कोशिश की है? बिल्कुल, देखिए डोडा शहर के अंदर आप देखेंगे चारों तरफ से जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसके मॉनिटरिंग पीसीआर जो हमारा पुलिस स्टेशन है वहां पे इसका पूरा कंट्रोल जो है वहीं पे होता है और पुलिस चेक भी कर सकती है इस चीज को। मगर काफी दिनों से हम देख रहे हैं, लगभग दो दिन हो चुके हैं, इस तरह की तस्वीरें जो है सामने निकल के आ रही है। आप देख रहे हैं जो शूज के अंदर से जो ये होता है, एक शूज के अंदर से ये चीज जो रखी जाती है उसको जो है तिरंगे के साथ में रखा गया है, तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली ये सारी तस्वीरें हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को उस शख्स पे कड़ा कदम उठाना चाहिए। और ये भी आप देख लीजिए कि तार भी इसको बांधी गई है जो तिरंगा वहां पे लगाया गया है, पर किस शख्स ने इस तरह की हरकत की है। जिस तरह से आप देखते हैं कि जब भी हमारा भारत के अंदर कोई भी जो बेल्ट फोर्स का आदमी जब जान देता है, पूरे भारत के लिए अपनी जान गंवाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरती से तिरंगे को उसके ऊपर जो है सबसे पहले रखा जाता है। उसी तिरंगे की हालत आप देख रहे हैं कि डोडा शहर के अंदर किस तरह से देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो कंसर्न महकमा है जिसके अंडर, म्युनिसिपैलिटी के अंडर ये जो फाउंटेन आता है, इस फाउंटेन के बाहर जो है इस तरह से जो तिरंगा लगाएगा और इस तिरंगे के ऊपर आप देख सकते हैं साइड में पुलिस डिपार्टमेंट ने अभी तक क्यों संज्ञान नहीं लिया है और सबसे पहले यहां पर इसे उतारा जाना चाहिए था, इज्जत से उतारा जाना चाहिए था, साइड पे रखना चाहिए था। इस तरह से तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं निंदनीय और काफी शर्मनाक भी है। बिल्कुल, देखिए अभी तक नहीं उतारा गया है, उन पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जितने भी महकमे हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन इसी रास्ते से निकलती है, थोड़ा सा आप आगे जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑफिस आता है, एसएसपी साहब का ऑफिस आता है, तहसीलदार डोडा का ऑफिस आता है, जितने भी हमारे हायर अथॉरिटीज, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट जो है इसी रास्ते से गुजरते हैं। मगर क्यों उन पे इस पे नजर नहीं गई, लोगों में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब कल रात को हमें कुछ लोगों ने बुलाया, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि डोडा शहर के अंदर क्या हो रहा है, और इससे पहले भी हमने आपको डोडा के अंदर काफी जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी सरकारी डिपार्टमेंट्स की, जहां पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था जितने भी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स है उन बिल्डिंग्स के ऊपर तिरंगा लगेगा। मगर बहुत सारी जगहों पर राष्ट्रगान का अपमान करने वालों के खिलाफ 3 साल की सजा जो है वो सामने रखी जाती है और इसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। क्या लगता है कि इस तरह से कार्रवाई होना कितना लाजमी है और कितना जरूरी भी है? देखिए, हम बचपन से अभी तक यही सुनते आ रहे हैं कि नेशनल फ्लैग का कद बहुत ज्यादा ऊपर है और हकीकतन बहुत ज्यादा ऊपर है, उस शख्स के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई दिखनी चाहिए। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नजर नहीं आनी चाहिए,
सामने दिखनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है कि इस खबर के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन भी हरकत में आएगी, पुलिस भी हरकत में आएगी, उस शख्स को ट्रेस करना चाहिए जिस शख्स ने इस तरह की हरकत की। एक बार फिर से फुल स्क्रीन पर यहाँ पर यह तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि आप देखिए झंडे का अपमान किस तरह से जिला डोडा के अंदर करवाया गया है, जो निंदनीय है, शर्मनाक घटना है। इस तरह से बिल्कुल भी यहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, आप साफ तस्वीरों में देखिए कि इस झंडे को किस तरह से फहराया गया है, लेकिन समझने की जरूरत है कि 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही तिरंगा फहराने की छूट थी, लेकिन 26 जनवरी 2002 को यहाँ इंडियन फ्लैग कोड के संशोधन में जिस तरह से काम किया गया, उसके बाद यहाँ अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। लेकिन फहराने का मतलब ये नहीं है कि झंडे के साथ आप जूते को लगा दें और उसके बाद यहाँ पर अपनी देशभक्ति जो है वो सामने पेश करने की कोशिश की जाए। ऐसे लोगों पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है जिन लोगों ने इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है। और सबसे पहले आप ये भी समझिए कि झंडे के साथ अगर आप अपमान करते हैं तो देश के लिए कितनी आपके अंदर राष्ट्रीयता है, देशभक्ति है, ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर वसीम अब बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक संशोधन हो जाता है, उसके बावजूद अगर आम जनता के पास वो हक आ जाता है, लेकिन उस हक का इस्तेमाल आप इस तरह से करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये इनर सोल लगाया गया है जो शूज के अंदर लगता है, बाकी सारी चीजें भी लग सकती थी अगर इसको बैलेंस करना था। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये बैलेंस इस तिरंगे को बैलेंस, क्योंकि ये जब लगाया गया है ये प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया गया है, और कई सारी जगहों पे हमने ये भी देखा कि प्रॉपर तरीके से इसके लिए जगह चुनी गई है, उसको प्रॉपर तरीके से लगाया गया है, पर वहां पे फॉर्मेलिटी के तौर पे लगाया गया। और आपकी जानकारी के लिए भी बताना चाहूंगा, 25 जनवरी को इसको लगाया गया था, मुझे अभी भी याद है, इसको फाउंटेन को काफी ज्यादा सजाया गया था अपने स्टार लगाने के लिए, मगर हालत आप देख लीजिए कि अब 25 जनवरी को इसे लगाया गया था, क्यों किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया है? देखिए अभी तक यही बात सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्यों सिर्फ हमने देखा है, और हमने जब देखा हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने साफ तौर पर दिखाने की कोशिश की कि क्यों इस तरह की तस्वीरें जो है सामने निकल के आ रही है। डोडा के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी अथॉरिटी यहां पर डीसी के पास है, और डीसी वहां पर क्या काम कर रहे हैं, और जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि रोजमर्रा का रास्ता है यहीं से हर एक व्यक्ति जो है वो गुजर कर निकलता है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीयता है, राष्ट्र सर्वोपरि, और उसके बाद आगे के काम आते हैं, लेकिन अगर इस तरफ नजर नहीं गई है तो कहीं ना कहीं सवाल निशान जरूर उठता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, शासित प्रदेश के अंदर क्या कुछ हो रहा है यहां पर वसीम। बिल्कुल, देखिए मैंने लगभग 3 बार इस तरह की खबरें की हैं जहां पे नेशनल फ्लैग गिरा हुआ है, जहां पे नेशनल फ्लैग लगा ही नहीं है सरकारी बिल्डिंग्स पे, और अगर लगाया गया है तो वहां पे किस तरह की तस्वीरें जो है सामने निकल के आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को हरकत में आना चाहिए, जो भी कंसर्न महकमा है म्युनिसिपैलिटी, उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि अगर आपके आपकी अथॉरिटी यहां पे बनती है, आपका ये पूरा एरिया है, तो वहां पे इस तरह की हालत क्यों देखने को मिल रही है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार ऐसे वाक्य देखने को मिले हैं वसीम, जिसमें केसरिया रंग को हरे रंग की जगह पर लगा दिया जाता है, यानी उल्टा तिरंगे को फहरा दिया जाता है और हरा रंग केसरिया रंग की जगह पर फहरा दिया जाता है, लेकिन ये अलग ही वाक्य जूता, आप ये समझिए कि किस तरह से मानसिकता रही होगी, और जिस व्यक्ति ने इसे बांधा है या फहराने की कोशिश की है वो किस मानसिकता से यहां पर फहराता हुआ नजर आया था। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को खंगालने की कोशिश होनी चाहिए थी वसीम, क्या उस पर कोई काम चल रहा है कि कौन व्यक्ति था, किसने इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया? देखिए आप ये चीजें देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे सीसीटीवी कितना काम करता है, थोड़ा शहर के अंदर सीसीटीवी किस तरह का काम करता है, इसको ट्रेस एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस महकमा है वो कब तक ट्रेस करता है, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो किस तरह का काम करते हैं, काम करने की बहुत जरूरत है वसीम, जिस तरह से राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर 3 साल की सजा है और अलग से कार्यवाही भी, उसी तरह से जिस व्यक्ति ने ऐसे तिरंगा यहां पर फहराया है, इस घटना को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि डोडा से एक अलग ही खबर जो है वो आज यहां पर दिखाई गई है, राष्ट्रीयता के खिलाफ, आप देखिए राष्ट्र सर्वोपरि, लेकिन राष्ट्र को लेकर किस तरह से काम हो रहा है, तिरंगे झंडे का अपमान किस तरह से जिला डोडा के अंदर देखने को मिला, ये अब कहीं ना कहीं सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है, सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश क्यों नहीं की गई, और अगर रोजमर्रा का ये रास्ता है, यहीं से इस रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है आने जाने के लिए,
तो हर किसी की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको राजौरी लिए चलते हैं और राजौरी से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी अपडेट जो है वो देखने को मिल रही है। जिला राजौरी के डांगरी से डीडीसी सदस्य ठाकुर रामेश्वर सिंह ने एक मिसाल यहाँ पेश कर ली है और ठाकुर रामेश्वर ने बेवाओं में बांटा है अपना 1 साल 2 महीने का वेतन। यानी आप देखिए गरीबों की मदद करने की किस तरह से एक मिसाल जो है वो यहाँ पर काम होती हुई नजर आ रही है। भविष्य में भी वेतन की पाई पाई जरूरतमंदों को देने का ऐलान कर दिया गया है। राजौरी के डांगरी से डीडीसी सदस्य हैं और डीडीसी सदस्य ने आज एक यहाँ इंसानियत की मिसाल कायम कर दी है कि अगर आपके इलाके के अंदर कोई जरूरतमंद लोग हैं तो उनकी मदद के लिए किस तरह से हाथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए, एक मिसाल यहाँ पर कायम करते हुए ठाकुर रामेश्वर सिंह दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर रामेश्वर सिंह ने यहाँ विवाह में अपना 1 साल 2 महीने का वेतन बांट दिया है। ये सब महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारी तादाद में महिलाएं अपने घरों से बाहर और भविष्य में भी वेतन की पाई पाई यहाँ पर जरूरतमंदों को देने का ठाकुर रामेश्वर सिंह ऐलान कर रहे हैं कि वो जितना भी अपना मेहताना यहाँ पर कमाएंगे, जो उनका वेतन रहेगा वो इन बेवाओं में इसे बांट देंगे। यानी महिलाओं की मदद के लिए वो आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही अब देखना ये होगा कि इस तरह से अगर एक कदम आगे बढ़ता है तो और कितने कदम इसके साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से एक इंसानियत की मिसाल यहाँ पर ठाकुर रामेश्वर सिंह आगे बढ़ाते हुए और सामने पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जगुर जी बिल्कुल, ये कहकर खूबसूरत खबर एक हम आज राजौरी से आपको दिखा रहे हैं। जहाँ है रामेश्वर सिंह जो डीडीसी मेंबर हैं डांगरी से, इन्होंने अपने जितना भी वेतन था इनका इन्होंने सारा बेवाओं में देने का ऐलान किया और जब तक ये वेतन मिलता रहेगा ये बेवाओं में तकसीम करते रहेंगे। पहले मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ, बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं बैठी हुई है जिनको ये वेतन अपना आज अपना देने जा रहे हैं। हम ठाकुर साहब से भी बात करेंगे गुरु जी की किस तरह सोचा इन्होंने। ठाकुर साहब पहली चीज ये, क्या चीज सोचकर आपने ये सोचा कि अपना सारा जो भी तनख्वाह है बेवाओं में? देखो जब डीडीसी के इलेक्शन हुए तो हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें मैंडेट दे के डांगरी कॉन्स्टिट्यूंसी से उतारा, वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी कि जहां पे मेरा वोट भी नहीं था। मैं यहां से खाली हाथ अपना वोट कालाकोट में फोल करके डांगरी पहुंचा और वहां के लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, लोगों ने इतनी बड़ी भेंट में भी जो भारतीय जनता पार्टी की भेंट थी उसको हटाकर पीछे करके मुझे प्यार दिया और भारी मुहूर्त से मुझे जिताया। और जब एक बहुत बड़ी रैली हमारी निकल रही थी तो हम मैंने वहां पे सब जो मेरे लोग बैठे थे मैं उनको बोला कि अगर मैं जीत गया तो जो मुझे सैलरी मिलेगी वो मैं सैलरी अपनी सबसे गरीब जो गांव की विडोज होंगी, विधवा बहनें मेरी माताएं, मैं उनको दूंगा। और आज मैंने वो काम पूरा कर रहा हूं, मैं पूरा करने जा रहा हूं। और तमाम जो आप देख रहे होंगे कैमरा में कि जितनी भी मेरी बहनें माताएं आई हैं, मैं आज उनको जो मेरी सैलरी से जो बनता है एक एक सूट और 1000 चेक में आज इन सबको तकसीम करूँ। जमशेद सवाल कीजिए कि क्या लगता है कि इसी तरह से जैसे उन्होंने अपना वेतन देकर ये कदम बढ़ाया है, ऐसा नहीं लगता कि सरकार के आगे भी कुछ ऐसे पूरी तरह से प्रावधान रखने की जरूरत है, एक अपील करने की जरूरत है कि जितने भी विवाहें हैं उनके लिए और कदम उठाए जाएं, पेंशन्स लगाई जाएं या कोई और स्कीम जो है वो सामने रखी जाए? वैसे तो बहुत सी स्कीम्स यहाँ पर चलाई गई हैं। जिस तरह आपने ये सोचा कि अपनी सारी सैलरी आप विडोज में तकसीम करेंगे, इसके अलावा आपने सरकार के आगे इसके लिए क्या काम करने जा रहे हैं ताकि विडोज के लिए कोई बड़ा कदम सरकार उठाए? क्योंकि बड़ी चलाई जाती है ग्राउंड पे उनका काम देखने को, उन स्कीमों को पूर्ण करवाने के लिए आप आगे क्या कुछ कर रहे हैं? जिससे हम एंटीसी बने हैं, टीयर सिस्टम जो चला है, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज सीएम के साथ बैठ के, एडीसी के साथ बैठ के और तमाम टीयर आई जिसने 35 मिलियन को समझाए हैं कि जो विडोज की स्कीमें हैं, जो लोन है, वो सांस होकर सबको दिलवा रहे हैं। और सारे स्कीम्स तो हमारे गाँव नहीं पहुंचती, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स निकाली है वो डिस्ट्रिक्ट तक ही महदूद रह जाती है। अब हम गांव गांव उनका प्रचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम माताओं बहनों को पहुंचाए। बिल्कुल सही है जमशेद, क्योंकि जो स्कीम्स लाई जाती हैं, योजनाएं परियोजनाएं जो लाई जाती हैं उनका जमीनी सतह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक ये डीडीसी के मेंबर रहेंगे तब तक अपना मानदेय देते रहेंगे, लेकिन उसके बाद महिलाओं का क्या, इस पर विचार करने की जरूरत है।
देखिए बिल्कुल पहले तो ये खूबसूरत तस्वीर राजौरी से जो निकल कर आई है परमेश्वर सिंह ने दिखाई है लोगों को कि सियासत के साथ एक बड़ा कदम उन्होंने जरूर उठाया, क्योंकि एक साल दो महीने की सैलरी इन्होंने अपनी आज सारी इन बेवाओं औरतों में और मजबूर लाचार लोगों के अंदर तकसीम करने का काम शुरू किया। ये एक नई सियासत का आगाज है, इसको हम खूबसूरत सियासत भी कह सकते हैं क्योंकि इस तरह के मंजर बहुत कम देखने को मिले। इस पर महिलाओं की कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली, उनसे कोई बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना? इनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे इन महिलाओं से भी, इन महिलाओं से भी। किस तरह लग रहा है आपको इस तरह ठाकुर साहब की तरफ से एक नया कदम उठाया? अच्छा लग रहा है हमें, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे प्रोग्राम देख के, मुझे हमें इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत है। हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे गरीबों की इतनी हिफाजत करना चाहती है जा रहे हैं ये। थैंक यू जिगुर जी, देखा होगा आपने इनकी तरफ से एक नई तस्वीर जो है सियासत की वो उभर कर राजौरी से सामने आई है, क्योंकि एक वो खूबसूरत तस्वीर है शायद जो इससे पहले राजौरी की सियासत में आपको कभी देखने को मिली हो। पहला मौका होगा ऐसा जो ये नजर आ रहा है, जिसका मंजर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ गुरु जी कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जितने लोग देख रहे हैं ये पूरा मंजर हमारा कि कितनी खूबसूरत तस्वीर जो हम आज आपके सामने रख रहे हैं जो ठाकुर महिलाएं पहुंची है वहां पर जमशेद जी। गुरु जी ये हाल के अंदर तकरीबन महिलाएं काफी तादाद में पहुंची है अभी, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ कालाकोट का इलाका जो है बहुत दूर दराज का इलाका है, लोगों को पहुंचे में टाइम भी लगता है, मगर उनका इंतजार भी किया जाएगा। इस तरह की बात भी कही गई है जो जो लोग इसमें आइडेंटिफाई किए गए जब तक वो पहुंचेंगे तब तक। चलिए जमशेद बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से बेवाए महिलाओं के लिए यहां पर कदम जो है वो उठाया गया है ठाकुर रमेश्वर की तरफ से। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर आप डीडीसी मेंबर यहां पर हैं तो अपना मानदेय दे रहे हैं, लेकिन इनके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि इन महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा यहां पर मिल सके। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलते हैं और सांबा से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से एक और अपडेट देखने को मिल रही है। जिला सांबा में आज मायूस होकर कई डेली वेजरों को रिटायर होना पड़ रहा है और साथ ही करीब तीन दशकों तक सेवाएं देने के बावजूद भी यहां नहीं हो पाए थे नियमित, और पूर्व सरकारों व मौजूदा प्रशासन की अनदेखी का डेली वेजरों ने यहां सम्मान करने की कोशिश की, लेकिन आप देखिए अनदेखी का किस तरह से ये शिकार हुए हैं। सामना यहां पर किया गया और बकाया मानदेय के भुगतान को लेकर भी अब असमंजस की स्थिति यहां पर बनी हुई है। लगातार प्रशासन की तरफ से काम तो किया गया, पीडीडी डेली वेजर्स को एक बड़ी राहत दी गई, लेकिन और भी कई ज्यादा डिपार्टमेंट्स के अंदर जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में डेली वेजर्स मौजूद हैं, जिसमें आप देखिए सांबा जिले में आज मायूस होकर डेली वेजर्स रिटायर हो रहे हैं और करीब तीन दशकों तक सेवाएं देने के बावजूद भी नियमित नहीं हो पाए हैं ये लोग, और काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कई सालों से लामबंद होते हुए प्रशासन और सरकार के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन करते हुए लोगों को देखा गया है। इस बीच में कई सरकारें आई हैं और कई चली गई और कई तरह के आश्वासन इन लोगों को दिए गए, लेकिन अभी तक ये पूरे होते हुए नजर नहीं आए। पूर्व सरकारों व मौजूदा प्रशासन की अनदेखी का ये डेली वेजर शिकार हुए हैं और बकाया मानदेय भुगतान को लेकर भी असमंजस की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, पीडीडी डिपार्टमेंट में हाल ही में अभी एलजी प्रशासन की तरफ से एक बड़ी राहत दी गई, लेकिन और भी कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर डेली वेजर्स हैं और जिनके लिए काम करने की जरूरत थी, लेकिन आज कई डेली वेजर्स रिटायर भी हो गए। देखिए बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो एक तोहफा जो वो जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से पीडीडी विभाग के तमाम डेली वेजर्स कर्मचारियों को मिला है कि 12,000 डेली वेजर्स को पक्का किया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरे विभागों के डेली वेजर्स की बात करें तो तमाम डेली वेजर्स आज सड़कों पर हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपको सांबा जिला का मैं ये अपडेट करता चलूं कि आज कई ऐसे डेली वेजर्स हैं जो आज रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होने के बाद वो सरकार के घर से प्रशासन के घर से सिर्फ माइक को लेकर नहीं जा रहे, जो उनको खुशी के हार आज पहनाए गए हैं वो खुशी के नहीं बल्कि गम के हार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ना तो जब कश्मीर प्रशासन ने सोचा ना पिछली सरकारों ने उनके बारे में सोचा, और आज रिटायर होकर जब अपने घर जा रहे हैं तो आखिर वो घर पर क्या बताएंगे कि वो सरकार के घर से क्या लेकर आए हैं जिससे उनका परिवार आगे चल पाए, इसके साथ साथ वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए। और बड़ी इसमें बात है कि आगे अपने बच्चों का भविष्य कितना संभाल पाएंगे, तो ये सारी चीजें जो वो अपने साथ लेकर आ जाए हैं। लेकिन सवाल ही यही है और बहुत बड़ा सवाल है ऋषि कि आखिर डेली वेजर्स को लेकर क्या कुछ कदम केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उठ रहे हैं, यूटी में यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है,
क्योंकि फेस मैनर्स पर प्रशासन की तरफ से कहा गया कि डेली वेजर्स को राहत दी जाएगी, लेकिन अभी मात्र सिर्फ पीडीडी डेली वेजर्स को राहत दी गई है। उस बीच में भी यहां पीडीडी डेली वेजर्स ये कह रहे हैं कि मात्र लॉलीपॉप जो है वो दिया गया है, और अभी जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर डेली वेजर्स हैं रिटायर भी हो गए, जिस तरह आपने भी कहा कि अपने घर जाकर क्या कुछ बताएंगे, क्या लेकर आए हैं, किस तरह से अब आगे जीवन जो है वो व्यतीत करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि मानदेय का भुगतान भी अभी तक नहीं हो पाया है, जो पिछले कई सालों का लंबित पड़ा हुआ है, कम से कम उस पर मसौदा तैयार करने की जरूरत थी एलजी प्रशासन को। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ सरकार ये कहती है, जो नुमाइंदा वो ये कहते हैं कि इनकी बैकडोर एंट्री हुई है। अगर बैकडोर एंट्री हुई है तो फिर जो रिकॉर्ड बुक्स पर चढ़ाया जाता है उसके हिसाब से आज इनको रिटायर किया जा रहा है। लेकिन इनके बारे में ना तो इनके जो पेंडिंग वेजेस है वो दिए गए हैं, ना अभी तक इनको पक्का किया गया है, कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं कर पाई है प्रशासन या पिछली सरकारें। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि तमाम डेली वेजेस जो सड़कों पर नजर आए हैं उनमें साफ तौर पर ये कहा कि हमें सिर्फ हमारी यही मांग है कि हमें पक्का किया जाए। लेकिन अब ये रिटायर हो गए, पेंशन के कागजात किस तरह से तैयार करेंगे, पेंशन तो वाकई में है ही नहीं, लेकिन अगला किस तरह से फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन कम से कम ये तो प्रशासन को एक तय सीमा बनानी होगी। बैकडोर एंट्रीज को लेकर जो सवाल उठ रहा है ऋषि, तो वहां पर भी जानना बहुत जरूरी है कि जितने भी डेली वेजर्स लगाए गए हैं वो किसी न किसी सरकार के नुमाइंदे की तरफ से लगाए गए हैं, और जब लगाए गए हैं तो उस वक्त वोट बैंक को बटोरने की कोशिश की गई थी, और जब इलेक्शन सर पर है तो बहुत बड़ा दावा पेश किया गया था कि आपको नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन मात्र यहां पर डेली वेजर्स लगाकर वोट बैंक लुभाए गए, बटोरे गए, और उसके बावजूद काम होता हुआ दिखा नहीं था, जो काम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 25-25-30 साल हो गए इनको काम करते हुए। पिछली सरकारें हो तो ये लगातार लॉलीपॉप देती हुई नजर आई है कि हम आपके बारे में सोचेंगे, आपके बारे में कहीं ना कहीं जो भी पॉलिसीज है वो बनाई जाएंगी, लेकिन ना तो पॉलिसीज बनाई गई है, 25-25-30 साल के काम को नहीं देखा गया है। तो इसी के चलते तमाम ये डेली वेजर्स कहते हुए नजर आए कि हमने इतनी ज्यादा सर्विस दी है लेकिन हमारे बारे में आज तक नहीं सोचा गया, परिवारों के बारे में नहीं सोचा गया, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जो वो पिछली सरकारों ने भी की है या फिर अभी के जो नेता है वो भी कर रहे हैं। आश्वासन पर आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन परमानेंट सोल्यूशन आज तक इनका नहीं। डेली वेजर्स का ही कहना है कि आगे भी इसी तरह से सिलसिला बदस्तूर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सांबल से ऋषि खजूरिया पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से डेली वेजर्स जो है एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ डेली वेजर्स को आज रिटायर कर दिया गया, लेकिन मात्र जो आश्वासन दिए गए थे वो अभी तक पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, और रविवार से मौसम में सुधार होने के बावजूद भी कश्मीर घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र जम्मू श्रीनगर हाईवे यात्रियों और मालवाहक वाहनों के लिए चालकों के लिए जी का जंजाल बन गया है। और उधमपुर में सरमोली इलाके में यहां देवल पुल के नजदीक एक बड़ा भूस्खलन होने के कारण हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से रोक दी गई, और आज तड़के 2:30 बजे के करीब पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थरों की वजह से यातायात रोक दिया गया, जिससे हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। और ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हाईवे पर अब 2 दिनों तक यहां कोई भी यातायात बहाल होने की आशंका नहीं जताई जा रही है, मतलब कोई भी अटकल यहां नहीं लगा सकती है, क्योंकि जिस तरह से हाईवे के ऊपर रपसियां और पत्थरबाजी हुई है अब ये हाईवे 2 दिन तक नहीं खुल सकता है। अलबत्ता ये पूरी कोशिश की जा रही है कि कुछ हद तक रास्ता साफ कर गाड़ियों को सिलसिलेवार ढंग से निकाला जा सके। उधर हाईवे बंद होने से जम्मू में एक बार फिर से कश्मीर की ओर रवाना होने वाले यात्री वाहनों का जमावड़ा लग चुका है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उधमपुर से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और जम्मू से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उधमपुर में देखिए किस तरह से वहां पर रपसियों के गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी, लेकिन प्रशासनिक अमला वहां काम करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको जम्मू से दिखा रहे हैं, जहां पर रास्ते में खड़े गाड़ियां किस तरह से यहां पर मौजूद हैं और जो चालक हैं वो कैसे यहां पर अब व्यतीत अपना समय करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी कैमरे में नजर भी आ रही होगी, तो ये जो है जो एजेंसी से बात हुई है वो तो 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं, पर हमारे कम से कम एक यहाँ में 1 बजे की टूट है वो क्लियर करके देते हैं, ताकि आप ये प्रेशर दोनों तरफ बना हुआ है इसको रिलीज कर सकें, तो लोग अपना दिन जो एमरजेंसीज हैं या सप्लाईज हैं तो वो जो है अपने मुझे पहुँच सकते हैं। तो यही है कि वो घर से तब तक ना निकले जब आज का तो ये मंथन ही नहीं लगता है कि ये रास्ता आपको जो ही रास्ता खुलेगा, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो हमने व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स है उनके थ्रू हम सबको इन्फॉर्म करते हैं।
जो स्ट्रैंडेड है कश्मीर के लोग उनको जम्मू जाना था, वो 250 गाड़ी जो है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल कर रही है, क्योंकि ये रास्ता रोड बंद है, 3 दिन से रोड बंद है, बहुत परेशानी है लोगों का, बहुत परेशानी दिक्कत है रास्ते में, लोग कोई सुविधा टॉयलेट का नहीं है, बाथरूम का नहीं है, खाने का नहीं है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे साथ है, बहुत परेशानी है रोड में, बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। बाकी हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ थोड़ा ध्यान दें। 3 दिन से रोड बंद है, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है पैसेंजरों को, ड्राइवरों को कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, सब महंगाई है। बस अभी हम अपील करना चाहते हैं रोड जल्दी खुल जाए, हम अपने घर पे पहुंच जाए। अंधे बहुत परेशानी आ रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, खाना महंगा है, सब कुछ महंगा है, कुछ नहीं मिल रहा हमको, यार कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है सरकार की तरफ। कोई मदद चाहिए सरकार, रोड खोलना चाहिए, हम रोड खोलना चाहिए, खासकर रोड खोलना चाहिए, सब अपना अपना घर पहुँचना चाहिए। तो महाशिवरात्रि का पर्व कल यानी 1 मार्च को मनाया जाएगा, जिसे लेकर जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और शिवालयों सहित अन्य मंदिरों में रंग रोगन का काम शुरू हो गया है और पूरा भी कर लिया गया है। अब उन्हें यहां रंग बिरंगी रोशन और साथ ही साथ किस तरह से फूल मालाओं से यहां पर सजाया गया है, रोशनी यहां पर लगाई गई है, शहर के रणवेश्वर पीरखो और आपशंभू मंदिर सहित अन्य शिवालयों में तैयारियां जारी हैं और शहर के प्रसिद्ध रामेश्वर मंदिर से आज भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो यहीं पीरखो मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर आज से 4 दिवसीय मेला शुरू होने जा रहा है। इस पर्व के मद्देनजर मंदिर परिसरों में और इसके अलावा आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है और मंदिरों में तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरा से भी नजर रखी जा रही है और वहां पुलिस का भी सख्त पहरा बिठा दिया गया है। हो रही है जी, वो कोई 3 बजे के बाद में झांकी निकलेगी भगवान की, शिव जी की महाराज की बारात, पर अब के थोड़ा सा कम है क्योंकि इस प्रशासन का थोड़ा सा है कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तो झांकियां सीमित दायरे में है, बड़ी लंबी नहीं है और सब ठीक ठाक चल रहा है, भक्त लोग आ रहे हैं। ये भक्तों की तरफ से वो डोनेट करते हैं, जो भी हम लोगों को देते हैं हमने उससे सारा ये व्यवस्था करते हैं। पिछले साल की तरह भी इस साल भी शिवरात्रि 4 दिवसीय मेला होगा, जिसमें पहले दिन 28 को मेले का उद्घाटन होगा और कल्चर प्रोग्राम होंगे। दूसरे दिन महाशिवरात्रि है, सुबह 3 बजे अभिषेक होगा, गद्दी पूजन होगा, हवन होगा और शाम को फिर 4 बजे कल्चरल प्रोग्राम होंगे। तीसरे दिन महाविशाल भंडारा होगा, जिसमें साधु संत और भक्तजन आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। 3 को विशाल दंगल होगा, जिसमें जम्मू के और बाहर राज्यों के पहलवान आएंगे। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि वह मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मेले। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।